इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय XX3। अब XX3 कोड कैसे बनता है? XX3 कोड के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो 8421 बाइनरी कोड है ना, जो BCD कोड है, 8421 जो BCD है, उसमें अगर आप बाइनरी 3 ऐड कर दें, बाइनरी 3 का मतलब क्या हुआ, 0011, आपने ये ऐड कर दिया तो आपका XX3 बन जाएगा। XX3 का मतलब क्या है कि जो आपका बाइनरी कोड है, जो ऑलरेडी आपका 8421 BCD है, उसमें 3 XX कर देना है, 3 ज्यादा डाल देना है, 3 बाइनरी ऐड कर देना है, दैट इज नोन एज XX3 कोड। सो इसको अगर मैं बात करूं, दिस इज नथिंग बट 8421 BCD प्लस 0011, विच इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मैं जनरलाइज लिखूं, दैट वी नीड टू ऐड बाइनरी 3, वी नीड टू ऐड बाइनरी 3 फॉर ईच एंड इंडिविजुअल डिजिट, फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिजिट, हर इंडिविजुअल डिजिट के लिए आपको बाइनरी 3 ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोलता हूं, राइट XX3 कोड फॉर से लेट अस सपोज 22। ओके, 22 के लिए आपको XX3 कोड ऐड करना है। 22 आपके पास है, 22 का आपको XX3 कैलकुलेट करना है। XX3 का मतलब क्या हुआ, आप ये 22 है, 3 इसमें ऐड करेंगे और 3 इसमें ऐड करेंगे, तो आपके पास 55 बनेगा, क्योंकि मैंने लिखा है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिजिट, हर इंडिविजुअल डिजिट के लिए आपको 3 ऐड करना है। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा, दैट शुड बी द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 55। इसको देखते हैं, आपके पास 22 है, 22 का जो आप BCD रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, आपको याद हो 8421 के अकॉर्डिंग ये इसका BCD रिप्रेजेंटेशन है, तो आपने लिखा 0010 और 0010। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें बाइनरी का 3 ऐड करना है। अब इसमें 3 आप ऐड करेंगे तो 3 कैसे बनेगा, 0011, इसमें ऐड करेंगे 0011 और आपने इसको ऐड कर देना है, इसको ऐड करेंगे तो 1 1 और 1 0, कैरी आ गया 1, अगेन 0, सेम इज द केस हियर, 1 1 और 1 0, कैरी आ गया 1 एंड दिस इज 0। तो ये आपके पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया 55 का। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करें, यहाँ पे लेट अस सपोज मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ, इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, आपके पास है 8421, 8421, आपने लिखा 0101, 0101, ये किसको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ये 5 को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, तो इसका मतलब 22 का आपने एक्सेस 3 करा तो वो आपके पास 55 आया या नहीं आया। यस और नो, यस इज इट क्लियर? अब आपको मतलब सर, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया है, आपको उसको लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करके और लास्ट में सीधा उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ, कन्वर्ट, जैसे आपने कोई भी नंबर लिया, लेट अस सपोज मैंने कोई भी रैंडम नंबर लिया डेसिमल में 640, कन्वर्ट इट इनटू XX3 कोड, इसको XX3 कोड में कन्वर्ट करना है, आप क्या करेंगे, आपके पास नंबर क्या है, नंबर इज 643। अब इसका XX3 इसमें आपको लेना है, XX3 करेंगे तो हर एक नंबर में 3 ऐड करना पड़ेगा, इज इट क्लियर और नॉट, तो इसमें 3 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड कर दो और इसमें 3 ऐड कर दो, 3 और 3 6, 4 और 3 7, 6 और 3 9, ये इसका XX3 कोड आ गया, नहीं आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको 9 का, 7 का और 6 का, इन तीनों का BCD रिप्रेजेंटेशन लिख दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने 3 ऐड कर दिया, आपके पास दो तरीके थे, दो तरीके क्या थे, या तो आप 643 को पहले बाइनरी में लिखते, फिर उसमें आप बाइनरी 3 ऐड करते और फिर आप फाइनल आंसर निकालते। आपने क्या करा, सभी में 3 3 ऐड कर दिया, अब इसकी सिंपल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको लिखनी है और कुछ नहीं करना।
बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 8421 आपके पास कोड है, 8421 के अकॉर्डिंग ये तो आ गया 9 और 4, 5, 6 और 1 7, ये आ गया 7 और 6 के आ गया 4 और 2 6, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। से यस और नो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। एक्सेस लिखते हैं हर बच्चे को समझ yes. गया। हाँ जी बेटे सर, मतलब इस सर डेसिमल नंबर सिस्टम से ये एक्सेस रिकॉर्ड निकाल सकते हैं या फिर अगर किसी और नंबर सिस्टम में गिवन हो तो उसका भी निकल सकता है? आपको मान लिया एक ऑक्टल नंबर सिस्टम दे दिया, आप कहते हो, आपसे पूछ रहे हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम से आप लेट अस सपोज एक्सेस 3 कोड निकालो, ऑक्टल नंबर से आप कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन ये है, हाउ यू विल फाइंड आउट फ्रॉम ऑक्टल नंबर सिस्टम? ऑक्टल का बड़ा सिंपल सा फंडा है, 2 to the power 3 ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, इज इट? आप क्या करेंगे, आप ऑक्टल से बड़ा सिंपल सा फंडा, ऑक्टल से आप डेसिमल में ले आओ, क्योंकि आपको पता है डेसिमल में सिर्फ 3 ऐड करना है वो एक्सेस 3 दे देगा, और ऑक्टल से डेसिमल में लेके आना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 3-3 के पेयर बनाओ और स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, उसके बाद उसमें बाइनरी से ऐड कर दो, आपका 2 लाइनों में आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अगर कोई पूछे सर हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है एक्सेस 3 से, ना हेक्साडेसिमल से एक्सेस 3 में आना है तो क्या करेंगे? हेक्साडेसिमल में कोई भी नंबर दिया हुआ है, आप उसको बड़ा सिंपल सा फंडा है, मतलब 4-4 के पेयर के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप हेक्साडेसिमल से पहले कहाँ पे आएंगे? डेसिमल में आएंगे, डेसिमल नहीं सॉरी बाइनरी में। जैसे ही आप बाइनरी में आए, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपके पास है, उसमें बाइनरी आप 3 ऐड कर दो, ये काम आप ऑक्टल में भी कर सकते हैं। यस सर। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताइए।